साल 2014 में पुलिस पर फायरिंग करने के बहुचर्चित मामले में कुचामन एडीजी न्यायालय ने फैसला सुनाया और मामले से जुड़े दो आरोपियों को न्यायाधीश सुंदरलाल खोरल ने 10-10 साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया कि हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड मामले से जुड़े दूसरे मुकदमे विजय सिंह व अन्य में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। पुलिस टीम हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की हत्या के आरोपित विजय सिंह व मदन सिंह की तलाश में भवन तक गई। पुलिस टीम के एक मकान में छिपे आरोपियों पर फायरिंग की थी। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मुकदमा कुचामन थाने की विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया गया था, जिसका आज फैसला आया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो हमारे यहाँ विचाराधीन था, सरकार नाम विजेंद्र सिंह, उसमें दो आरोपी हैं, विजेंद्र सिंह इंडली और मदन सिंह बिंजिया सिंह। ये प्रकरण हमारे पिछले करीब 9-9.5 साल से लंबित है और यहाँ ट्रायल चल रहा था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दिनांक 14/11/2014 को शहीद फैज मोहम्मद की हत्या ग्राम भावता में हुई थी और हत्या करने के पश्चात में ये दोनों आरोपी वहाँ मौके से फरार हो गए थे और पुलिस जाब्ते ने इनका पीछा करके ग्राम भावता में इनको पकड़ा और एक मारोट के थाना अधिकारी है मोर मुकुट सिंह, उन्होंने ये प्रकरण दर्ज कराया था और पुलिस ने ये प्रकरण संख्या 376/2014 अंतर्गत धारा 307 IPC व आर्म्स एक्ट में दर्ज किया था और मौके से ग्राम भावता से इन दोनों मुलजिमान विजेंद्र सिंह इंडाली और मदन सिंह बिंजेसी को मौके से गिरफ्तार किया था। तब से यह प्रकरण हमारे यहाँ ट्रायल चल रहा था। प्रकरण में हमने 26 गवाह के बयान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए हमने 26 गवाहों के बयान करवाए हैं और माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान सुंदरलाल जी खरोल द्वारा आज इस प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरण का फैसला सुनाया गया है, जिसमें दोनों आरोपी गणों को, दोनों अभियुक्त गणों को अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा कन्विक्शन किया है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं आपको कि इन पे जो आरोप निर्धारित किए गए थे दफा 307 IPC में, उसमें इन दोनों आरोपी गणों को, मदन सिंह और विजेंद्र सिंह इंडाली को 10-10 साल की कठोर कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अलावा 3/25 आर्म्स एक्ट में भी इनको दोषी माना है, उसके तहत इनको 2 साल की सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अलावा 7/27 आर्म्स एक्ट में भी इनको दोषी माना गया है, जिसमें 10 साल की कठोर कारावास वह 50,000 रुपये का जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियुक्त लगातार पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, करीब 9-9.5 साल का वक्त इनका जेल में व्यतीत हुआ है और आज भी इनको, विजेंद्र सिंह को तो उदयपुर सेंट्रल जेल से लाया गया और मदन सिंह को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से लाया गया है। दोनों आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जेल का वारंट तैयार करके, सजा वारंट तैयार करके जेल वापिस अपने जेल भिजवा दिया गया है उदयपुर, और मदन सिंह को अजमेर भिजवा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो अपर जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमान सुंदरलाल जी खरोल कुचामन सिटी के द्वारा किया गया है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण का फैसला है। ये शहीद फैज मोहम्मद की हत्याकांड से प्रकरण से जुड़ा हुआ